हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम है तो आज हम बनाएंगे ठंडा दूध। जी हाँ, जो बहुत सारी स्वीट शॉप्स पर मिलता है, ठंडे दूध की बॉटल जो मिलती है, तो वही आज हम बनाने वाले हैं घर पे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे बनाना और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध। आप दूध कोई भी, जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं इसमें। और यहाँ मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स भी फ्रेंड आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू लिए है। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, और ये मैंने लिए है सैफ्रन स्टैंड्स, थोड़े से केसर। अगर आपके यहाँ नहीं है तो ये वाइट वाला बन जाएगा, और अगर हम इसे डाल देंगे तो ये केसरी दूध बन जाएगा। और यहाँ साथ में ही लिया है मैंने चीनी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें दूध को रखना है उबलने के लिए। और आप जब भी दूध की ऐसी कोई चीज़ बनाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी आप पतीला या कंटेनर जिसमें बनाने वाले हैं उसका तला जो वो थोड़ा भारी हो। तो इसका तला जो है वो भारी है जो मैंने लिया है। तो दूध को रखते हैं हम सबसे पहले बॉयल करने के लिए। तो यहाँ दूध को रख दिया मैंने बॉयल होने के लिए। तो अभी जो हम इसको पहला उबाला दिलवाएंगे वो हम तेज़ गैस पर ही, हाई फ्लेम पर दिलवाएंगे। तो जब तक दूध हो रहा है हमारा बॉयल, ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे इसको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। फ्रेंड्स, दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मलाई जो है इसकी जमकर साइडों पे ना लगे, और इसे साइड से ऐसे इस तरीके से हम बीच में करते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में जो है उबाल आ गया है। अब हम इसका गैस का जो फ्लेम है वो स्लो कर देंगे, और जो हमने केसर लिया था उसमें, इसमें से हम ज़रा सा दूध डाल देंगे ताकि ये अपना कलर दे दे। तो अब हमें दूध को जो है वो सिम गैस पर बॉयल होने तक पकाना है। इसमें हम साथ ही साथ ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। ये मैंने 2 इलायची को क्रश कर लिया था। तो दूध को जो है हमें उबलने देना है जब तक कि ये गाढ़ा होना ना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, और अभी हमें इसे और पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल इसका जो है मार्केट वाला जैसा रहता है उतना गाढ़ा ना हो जाए, ताकि जब हम पिएं तो हमें कोई फ़र्क ना लगे कि हमारे घर पे बने दूध में कोई कमी रह गई है। तो 1 लीटर दूध में से कम, इसका जब 25% कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा इसमें, तब हमारा दूध जो है बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, अभी दूध जो है हमारा पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर, और अगर आप केसर नहीं डाल रहे हैं तो इसे ऐसे ही पकने दीजिए। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। फ्रेंड्स, चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच के बराबर चीनी डाली है इसमें, और बीच बीच में आप चलाते रहिएगा दूध को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है हमारा अच्छा गाढ़ा हो चला है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने काटे थे। फ्रेंड्स, इस दूध में ड्राई फ्रूट बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स दिल खोल के डालिए, और जो भी आपको पसंद है वो डालिए। तो देखिए, दूध हमारा बन करके बस तैयार है। 5 मिनट में हम बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं और इसे उबलते हुए। तो हम दूध का रख देंगे ठंडा होने के लिए, गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। बनाया है हमने ठंडा दूध, तो भाई इसे ठंडा ही पियेंगे और ठंडा ही सर्व करेंगे। तो इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध भी हो गया हमारा चिल्ड, और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला।
कितना बढ़िया इसका कलर और कितना बढ़िया ही इसका टेस्ट आया होगा। ये तो आप बनाएंगे पिएंगे तो बताएंगे। तो इसे डाल लेते हैं ग्लास में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बॉटल में भी डाल लिया है और ये देखिए बिल्कुल, मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये लग रहा है कि जैसे मार्केट का हो, हम मार्केट से लेते हैं जैसा। और यकीन मानिए, अगर आप किसी को नहीं बताएंगे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये आपने घर पे बनाया है या आप मार्केट से लाए हैं। और इसका टेस्ट भी जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, हमने कोई भी इसमें आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की है। तो आप चाहें तो आप इसे अपने फास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों के लिए भी ठंडा ठंडा दूध। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो बेल आइकन बना रहता है वो भी दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। तो नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।